वो सबको मार के बोल रहा है। अरे अंदर आ लो। रिटायर हो गया सर अभी। रिटायर हुआ? चलिए सारे लोग रिक्वेस्ट अंदर चलें। जी जी तो डांस भी काफी किया, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूंगा, इनिशियली मैं आई वाज वर्किंग बिहाइंड द कैमरा फॉर दिस प्रोजेक्ट, और इस मूवी का पूरा जो स्टार्टिंग थी कि हमें स्क्रिप्टिंग क्या करनी चाहिए, हमें कैसा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए और किस तरीके का सब्जेक्ट हिट करना चाहिए, मैंने उससे शुरुआत की थी। और इस पूरी मूवी का बिहाइंड द कैमरा में आई वाज वर्किंग इन दैट सुपरविजन। और जैसे जैसे हम प्रोसीड हुए और हमें पता चला कि ऐसे एक स्टोरी है जर्नी ऑफ कर्मा की जिसमें रिक्वायरमेंट है एक ऐसे सॉन्ग की जो सबको मोटिवेट करे, देन माई फादर साहब थॉट कि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि एक ऐसा मोटिवेशनल सॉन्ग जो गाया है सुखविंदर सिंह जी ने उस पर मैं परफॉर्म करूँ। तो ऐसे ही ये मेरी जर्नी है। सो द जर्नी ऑफ दिस सॉन्ग, एवरी सॉन्ग एंड एवरीथिंग इन दिस मूवी हैज़ अ जर्नी ऑफ इट्स ओन। तो ऐसे मेरी इस मूवी के साथ में जुड़ा और ऐसे मेरी एज अ डेब्यूटेंट शुरुआत हुई। भाई ये हमारे बिजी डायरेक्टर हैं, बड़े यंग लड़के हैं। हाँ मैं बैठ जाता हूँ। शुभ एक मिनट तू बैठ बीच में, तू यंग है यार। बहुत मेहनत हुई है ये गाना बनाने को जिसमें शिवम ने परफॉर्म किया है। मोटिवेशनल सॉन्ग है, कम से कम 2 महीने लगे इस गाने में, 3 वर्जन किए हैं। मैं बताता हूँ फील कैसे। कभी धूप कभी छांव है मुकद्दर तेरा, आके मंजिल पे भटका है सफर ये तेरा, तेरे गिले हैं लाजमी कबूल रे ओ रे परिंदे, तू जीना मत भूल रे ओ रे परिंदे, तू जीना मत भूल रे। ये एनर्जी बहुत एनर्जेटिक सॉन्ग है। तो ये सबसे पहले तो आप सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हो, सीरियसली एक अच्छा पॉज बना हुआ है और आप तो वैसे भी क्यूट हो। और दूसरी बात मूवी पे आते हैं, मूवी से मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि मूवी सब लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इसका क्योंकि इसका सबसे पहले तो म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है, सर ने भी साथ में किया है, मैंने भी किया है, मेरे खुद के 3 गाने हैं जो मैंने दिए हैं, और बाकी मैंने 3 गानों में म्यूज़िक लिरिक्स कंपोजिशन और सिंगिंग मैंने की है, बहुत मेहनत की है। सर मेरे डैडी की उम्र के हैं और मेरे डैडी की तरह मुझे ट्रीट करते हैं, तो बहुत प्यार देते हैं। जैसा जैसा उन्होंने बोला मैं करता गया। एक बार मुझे स्टोरी सुनाई गई, मैंने उस स्टोरी को अच्छे से सुना और सर को गाने बना के दे दिए, सर को पसंद आ गए। शक्ति जी से जलन? नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक्चुअली क्या है ना, मेरी एज है सीखने की, मैं सिर्फ सीखता हूँ, और वो इतने बड़े हैं उनकी एज ऐसी है, मैं उनको देख के सीखता हूँ, वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं मैं सीखूंगा। ओके सर, आप कुछ कहना चाहेंगे अब तक इस तरह से प्रमोशन करने वाले? चलो इसको ही नहीं, प्रमोशन तो अभी चलती रहेगी, शुरुआत हुई हाथ से। और बहुत ही मैं 1 मिनट पहले बात पूरी हो लेने दिया। हाँ क्या कर रहे थे आप?
एक्चुअल में क्या कि आज जो है आप सभी जो हैं हमारे बाजू हैं, ठीक है ना, तो सोशल जो मीडिया है या प्रिंट मीडिया हो गया या इलेक्ट्रॉनिक हो गया, उसके द्वारा हमसे जितना हमसे हो सकेगा जो हमारा बजट है या आप लोगों का सहयोग है, मैं तो यूँ कहूँगा आप लोग इतना सहयोग दें कि इस फिल्म के बारे में इतना अच्छा लिखे जो आपने देखा है कि हमारा बजट कम लगे और हमारी प्रमोशन ज़्यादा हो, बाकी हम बहुत ज़्यादा प्रमोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमांशु जी का मैं नाम लेना भूल गया, हिमांशु जी के साथ मैं 2008 से जुड़ा हुआ और ये मेरे भाई की तरह हैं, मैं इन पे इतना विश्वास करता हूँ कि हिमांशु भाई आपने ही करना है, मैं आधी बात तो पूछता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, मेरे को खुद आश्चर्यचकित होता हूँ जी बताते मैंने ये कर दिया है। अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो हिमांशु जी जो है उनकी तुलना शायद मेरे से तो नहीं, वो इतने अच्छे हैं कि खुद मेरे को गाइड कर देते ये और वो अपने आप ही बहुत बड़ा कर देते हैं, छोटी चीज़ को बड़ा बनाना बड़ी चीज़ है। अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो सबसे पहले तो आपके सामने ही हिमांशु भाई, उसके बाद अभी हमारे साथ फिल्मी ज्ञान भी जुड़े हैं आफ्ताब भाई, तोहित भाई, मतलब अभी हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी है, सर के साथ बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं, तो मिलके हम बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं इस पूरे महीने मूवी रिलीज तक और मूवी रिलीज के बाद भी। सिंगर तो आप लोग के एक्टिंग का ख्याल क्या है? मुझे देख के लगता है कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। आफ्ताब भाई का है मेरे, मैं अगर एक्टर बनूंगा तो फिर शिवम का मतलब वो म्यूजिक लाइन में आएगा। हम सब कुछ साथ में कर लेते हैं, जिस दिन शिवम गाना स्टार्ट कर देगा मैं उस दिन तारे एक्टिंग करेगा, उस दिन एक्टिंग। आपका भाई कहाँ पे पहले ये बताओ भाई, आपका भाई कहाँ है? सर 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 एक मिनट, आपका भाई एक चेयर और मंगा दूंगा अगर हो, योगेश जी आपके लिए चेयर मंगा दूंगा। यार मैं तो खुद ही शॉक्ड हूँ कि दिस फिल्म इज लुकिंग अमेजिंग एंड इट हैज समथिंग, आई मीन लोग बोलते हैं ना कि पिक्चर देखने क्यों आएंगे, मैं पूछता हूँ इस पिक्चर को देखने लोग क्यों नहीं आएंगे, आप लोग समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ। और उसके अलावा कंटेंट बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है, एक एम्बिशियस बच्ची लड़की की कहानी है, उसकी जर्नी है एंड आई फील कि ये फिल्म काफ़ी अरसे के बाद ज़माने के बाद एक ऐसी अलग सी फिल्म हमारी इंडस्ट्री में आएगी, मतलब या बॉम्बे थिएटर्स में लगेगी। और मुझे याद है एक फिल्म ऐसी लॉन्ग टाइम बैक आई थी, उसका नाम था चेतना, बी आर इशारा की फिल्म थी और उस फिल्म ने भी हंगामा कर दिया था। और ये फिल्म मुझे लग रहा है कि अगर इसको पब्लिसिटी अच्छी मिली, प्रमोशन अच्छे मिले, आप लोगों का सहयोग अच्छा मिला, तो दिस फिल्म कैन रियली स्मॉल मेकर्स के लिए, आर्टिस्टिक मेकर्स के लिए नई थॉट को लेकर चलने वाले काफ़ी प्रोड्यूसर्स ऐसी फिल्में बनाएंगे। इट ओपन अ न्यू गेट इन दिस फिल्म इंडस्ट्री कि बजट में भी फिल्में अच्छी बहुत बन सकती हैं। जैसे पहले बोल रहा था एग्जांपल, तो मेरी खुद की बेटी की पिक्चर है स्त्री, जो 125 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, राजकुमार, श्रद्धा कपूर, बिकॉज द फिल्म वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल कंटेंट इन द फिल्म, पीपल लाफ्ड इन द फिल्म, दे स्केयर्ड, गॉट स्केयर्ड इन द फिल्म, उस फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो मुझे वही लग रहा है कि इसमें मतलब
मी एज एन एक्टर जितना कर सकता था किया, लेकिन उससे ऊपर एडिटर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक और लड़की ने भी बहुत अच्छा काम किया है. शी इज़ डन वंडरफुल जॉब. आई फील कि ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी एंड इट शुड क्रिएट अ न्यू गेट फॉर लॉट ऑफ न्यू डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स. सर मेरे एक्चुअली बोल्ड सीन्स इस पिक्चर में, जब आप पूरी पिक्चर देखेंगे ना, एक स्ट्रेच में देखेंगे, आपको ये सीन्स नज़र ही भी नहीं आएंगे. मतलब स्टोरी के साथ ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं. और हाईलाइट क्या है इन सीन्स के अंदर, वल्गैरिटी नहीं है. ये ट्रेलरों में भी वल्गैरिटी नहीं है. क्या बोले अरे बाप रे ये क्या हो रहा है. बड़े स्मूथली लिए गए हैं. बहुत इंटरनेशनल लेवल पे इसकी टेकिंग हुई है और कोई ये नहीं बोल सकता कि ये बड़े ऑब्सीन है, ये क्या है क्या नहीं है. जब आप पूरी पिक्चर देखेंगे एक स्ट्रेच में, यू विल नॉट इवन रियलाइज कि ये सीन्स स्टोरी के साथ कैसे निकल गए. पूनम पांडे के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा. शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल गर्ल एंड आई वाज शॉक्ड कि शी डिड सच अ स्प्लेंडेड जॉब इन द फिल्म एज एन हीरोइन, एज एन एक्ट्रेस. और मतलब उसने पूरे लगन के साथ काम किया है एंड दिस फिल्म कैन क्रिएट अ बिग स्टार इन पूनम आफ्टर दिस फिल्म रिलीजेस. पूनम और उसकी मदर मम्मी ने भी काम किया है. आजकल न्यू टैलेंट सर बहुत अच्छा है, लोग समझदार हैं एंड दिस फिल्म बिलोंग्स टू पूनम, उसकी फिल्म है. देखिए मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट किया है कि एक मेरे लिए ट्रायल रखेंगे और जिसमें मेरी फैमिली, और मेरी फैमिली बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें मेरी सालियाँ हैं, पद्मनी है, तेजस्विनी है, मेरे सांडू है प्रदीप शर्मा, और दूसरे डायरेक्टर है पंकज सरस्वत, और हमारे रिश्ते में आशा जी हैं, आशा भोसले जी हैं, लता जी हैं. तो मैंने बोला इनको कि एक ट्रायल उनके लिए मेरे घर के नीचे सनी में रखेंगे और सबको दिखाएंगे. अगर उनको अच्छी फिल्म लगी, सबने वादा किया अगर अच्छी फिल्म लगी सब ट्वीट करके इस फिल्म के बारे में बोलेंगे. 100% उसकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है ट्विटर पे और फेसबुक पे. तो नेचुरली, बट मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा. हाँ पहले उनको पूरी पिक्चर दिखाएंगे. आपको लगता है कि करना है करो, नहीं लगता मत करो. बट आई एम श्योर पिक्चर देखने के बाद कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि पिक्चर में वल्गैरिटी है, पिक्चर में स्टोरी नहीं है, सब कुछ है. पूरी पिक्चर देखने के बाद आई एम श्योर कि सब लोग ट्वीट करके इसकी एप्रिसिएशन करें. सर मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है, तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर को लेकर जिस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है, एज अ फिल्म फ्रेटर्निटी का हिस्सा आप क्या कहना चाहेंगे सर, आपका क्या रिएक्शन है? सर मैं कल ही आया हूँ, मैं USA में था, अमेरिका में, गणपति बापा की पूजा के लिए. मैं सच्ची बात बोलूं कि सबसे पहला झटका मुझे लगा जब ऋषि कपूर ने ट्वीट किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो USA जा रहे हैं. और उसके बाद सुबह उठा, न्यूज़ मिली कि उसकी मम्मी की डेथ हो गई. उसी सोच के अंदर मैं डूबा रहा दिन भर कि बेटा अभी दो दिन पहले गया है और उसको मालूम भी नहीं पीछे की मम्मी की. अब मैं यही सोच रहा हूँ कि कपूर फैमिली में सुख हो, चिंटू की तबीयत ठीक हो. मुझे इस केस के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है. अब मैं पता कर लूँगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ. लेकिन मैं आप जस्ट कम बैक फ्रॉम देयर एंड मैं सारे मीडिया के सामने बोलता हूँ कि मेरा माई हार्ट गोज टू द कपूर फैमिली. उनकी ये मम्मी की डेथ हुई है, कॉन्डोलेंसेज फ्रॉम माई साइड, कॉन्डोलेंसेज फ्रॉम माई यूनिट, माई फिल्म कर्मा, फ्रॉम माई प्रोड्यूसर्स, फ्रॉम माई डायरेक्टर्स, from my music directors to the Kapoor family on the sad demise of the mother. Sir, Tanushree Datta ki bhi khabar chal rahi hai ki unke saath to wohi pucha hai inhone, lekin jawab sabne kuch aur bata diya. Nahi nahi maine ye bola na, main kal hi aaya hu USA se, mujhe kuch malum nahi hai sir. Main aise kuch bol dun
तो वो गलत हो जाएगा ना, मुझे पता चलेगा तो क्या है क्या नहीं। और ये न्यूज़ तो अभी आप लोग बता रहे हैं, हुआ क्या मुझे आप बता दो। हुआ ये है कि हॉर्न होके प्लीज के सेट पे उनका कहना है कि उनके साथ ज़्यादती हुई थी और उस सीन उन्हें नहीं करने के लिए बोला गया था, फिर नाना पाटेकर का जिक्र उन्होंने किया कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, तो इस तरीके से वो कहना चाह रही है कि मेरे साथ जो भी हुआ 10 साल पहले वो सही नहीं था और वो खुल करके सामने सारी बात कर रही है। 10 साल पहले हाँ मुझे कुछ मालूम नहीं सर, 10 साल पहले तो मैं छोटा सा बच्चा था यार। अरे बाप रे, मतलब आप मीडिया वालों को बहुत कुछ मिल रहा है। अनूप जलोटा का मैं अभी आने से पहले ना वो MTV वो मैंने ऑन किया क्योंकि अनूप जलोटा जी मेरे प्रोड्यूसर रह चुके हैं। मैं 2 फिल्में कर रहा हूँ अभी रिलीज़ नहीं हुई है जो अनूप जलोटा जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड अब उसमें देखिए मेरी फिल्म की कहानी और अनूप जलोटा जी की कहानी ऑलमोस्ट सेम है ना, करेक्ट है ना सर। इसलिए मुझे कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है फिल्म में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं, एज इज अ मैटर ऑफ माइंड, सो यू शुड नॉट माइंड। और क्या देखो ना यार, बुढ़ापे में वो बुढ़े का क्या हाल कर दिया इसने। सर आजकल बच्चे खुद ढूंढ लेते हैं और माँ बाप अगर ढूंढ के लाए तो मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरे दोनों बच्चों को सिद्धांत कपूर श्रद्धा कपूर को भैया आप जब बोलेंगे तो हम लोग आपके लिए लाइन लगा देंगे लड़कों की, बेटे को बोलता है लड़कियों की, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, आपका परिवार अच्छा है और बाकी पढ़े लिखे हैं, अमेरिका से पढ़ के आई है वो, बट माइंड उसका बिल्कुल बैलेंस्ड है। आपको यकीन नहीं होगा कि सारी प्रार्थनाएं उनको मालूम है, गणपति में सारी प्रार्थनाएं वो करती है गाती है। और सेम मेरे बेटे के बारे में है, हिंदू संस्कृति उनके मतलब परिवार में मेरे सास ससुर के वहाँ से आई, मेरी बीवी शिवांगी पद्मनी की बहन तेजस्वनी, ये लोग बद्रीनाथ मेरे ससुर जी संगीतकार, तो ये लोग बहुत रिलीजन को मानते हैं, तो ये संस्कृति इनके पास है, दोनों बच्चों के पास है। तो मैं भगवान से वही प्रार्थना करूँगा भैया ज़िंदगी में अच्छा परिवार मिले, अच्छा लड़का मिले, उसे अच्छी लड़की मिले, बाकी ऊपर वाला मालिक है। सर मैं 100% ग्रीन सिग्नल दूंगा सर, क्योंकि उनकी चाहत उनकी ज़िंदगी है अभी। और मैंने भी लव मैरिज की थी, मेरी वाइफ महाराष्ट्रन है, मैं पंजाबी हूँ, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन। अब फिल्म के बारे में बोलते हैं, ये देखिए क्या चल रहा है मज़ेदार फिल्म आया है। कर्मा अक्सर कहा जाता है कि आप जैसा करते हैं वो कर्मा आपको वापस आता है, आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? सर मैंने एक फिल्म की थी जैसे करनी वैसे ही भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, दुख सुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरा कहना ये है कि आपके कर्म इसी जन्म में उसका रिजल्ट आ जाता है। सर ये बता दीजिए
सर मेरे को इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए मेरे ख्याल से 35 साल हो गए हैं, 37 साल हो गए हैं, और सारी दुनिया तो अच्छी तरह से जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पहली मर्तबा कोई ऐसी फिल्म नहीं कर रहा हूँ एज अ विलन। विलन पहले तो हर फिल्म में किसी प्रोड्यूसर से डायरेक्टर से पूछो मेरा क्या रोल है, बोले शक्ति जी आपका कमाल का रोल है, इस फिल्म के अंदर 2 रेप है आपके, 4 फाइटें और इसके बाद एंड में आपकी मौत है। तो हर फिल्म में, दूसरी फिल्म में रेप भी होता था, तो कंट्रोल करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ ना। और अब जब 20 साल पहले पूछते तो मैं इसका और भी डिफरेंट जवाब देता, और अब जब 20 साल के बाद जब कंट्रोल करो या ना कंट्रोल करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझ है ना। थैंक यू सो मच।